हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है व्हाई वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज मोर डेवलप्ड एंड रिचर देन ईस्ट इंडिया। अच्छा, वेस्टर्न इंडिया वर्सेस ईस्टर्न इंडिया। अच्छा, ये वाला वैसे टॉपिक जो है ये काफ़ी जगह पे हम लोगों को देखने को मिलता है, वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी, कि कुछ इंडिया के ऐसे एरियाज हैं जिनको कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और कुछ ऐसे एरियाज हैं उनमें जिनमें बहुत बहुत ज्यादा बहुत डेवलपमेंट हो ज्यादा रही हो है। रही है, मतलब हाँ, फास्ट कम भी हो रही नहीं। है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रही है। तो एक साइड पे बिल्कुल वो ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, वाला सीन है। तो लेट्स गो वैसे स्टार्ट। एक बात बताऊँ, मेरे अंदर जो इंडिया का इमेज था ना, मुझे ये था वहाँ पे गरीब आवाम और ये बहुत गंदा मतलब रहते हैं बट लोग। आहिस्ता आहिस्ता हाँ, चेंज होता जा रहा है, लेकिन वो भी है जगह, वो भी है। वो है। लेकिन देखो, एक हम लोग पॉजिटिव चीजें भी देखते हैं, हाँ, नेगेटिव चीजें भी नेगेटिव भी देखते हैं। देखते हैं तो हर जगह पे पॉजिटिविटी तो और हाँ नेगेटिविटी, होती है, अच्छे लोग लेकिन बुरे फिर लोग, भी अच्छी इंडिया जगह गंदी हाँ जगह, बहुत सब अच्छा होता है। जा रहा है। हाँ, तो पाकिस्तान से तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा हजार जा गुना। रहा है। तो टू लेट्स वेरी गो स्टार्ट हॉनेस्ट। करते हैं। एक तरफ है ईस्टर्न इंडिया जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल शामिल है, वहीं दूसरी तरफ है वेस्टर्न इंडिया जिसमें गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट शामिल है। अगर हम इंडिया को सिर्फ ईस्टर्न और हाँ, वैसे भी हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि गुजरात और गोवा, गोवा और ये जो इस साइड के एरियाज हैं, ये मूवीज में भी ज्यादा हाँ, दिखाए जाते हैं। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वेस्ट में कर्नाटका भी शामिल हो जाता है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है, जब वेस्टर्न स्टेट इतने रिच और डेवलप्ड है, वही ईस्टर्न स्टेट उतने ही पुअर और अनडेवलप्ड रह गए हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही होने वाला है, आखिर क्यों वेस्टर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड और रिच है। और अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो ईस्ट इंडिया हमेशा काफी रिच और डेवलप्ड रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार का पटना लंबे समय तक मौर्य और गुप्ता एम्पायर की कैपिटल सिटी रहा है, और आज वही बिहार देश के सबसे अनडेवलप्ड स्टेट में से एक है। और अगर बात हम वेस्ट बंगाल के कोलकाता की करें तो कोलकाता एक अच्छा, बाकी कंट्रीज में अगर देखा जाए ना, तो बिहार से लोग सऊदीया, कतर, दुबई और ऐसी कंट्रीज वगैरह में ज़्यादा काम करने के लिए जाते हैं। यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश से और बिहार वगैरह से लोग ज़्यादा गए हुए समय हैं। पर ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मेजर सिटी हुआ करती थी, जो कहीं ना कहीं आज की इस मॉडर्न ग्रोथ में थोड़ा पीछे रह गई है। और आज अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटका जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनरल सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज मच बेटर। और ये स्टेट सिर्फ ईस्टर्न इंडिया से नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया से इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हर चीज में बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट इंडिया में मुंबई है जो पूरे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, और वेस्ट में गुजरात भी है जो पूरे देश में फास्टेस्ट ग्रोविंग स्टेट है। अब आते हैं उन चार मेजर रीजन के ऊपर जिनकी वजह से वेस्टर्न इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है ईस्टर्न इंडिया से। रीजन नंबर वन है हिस्टोरिकल फैक्टर। दोस्तों, ब्रिटेन गवर्नमेंट के टाइम ही ब्रिटिशर्स ने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था वेस्ट इंडिया को डेवलप करने के लिए, क्योंकि मुंबई, जिसको उस समय बॉम्बे कहते थे, वो ब्रिटिशर्स का मेजर ट्रेड सेंटर था। मैक्सिमम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो लोग बॉम्बे से किया करते थे, जिसकी वजह से मुंबई और सूरत जैसे शहरों के पोर्ट तेजी से डेवलप्ड होने लगे। और आगे जाकर इन ट्रेडिंग पोर्ट ने ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वेस्टर्न इंडिया की ग्रोथ में। और आज वेस्ट इंडिया की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीजन है वेस्टर्न इंडिया के पोर्ट, जहाँ से पूरे देश का सबसे ज्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है जियोग्राफिकल फैक्टर। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि पोर्ट तो ईस्ट इंडिया में भी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया के भी मैक्सिमम स्टेट जो है वो समुद्र के साथ ही लगते हैं। दोस्तों, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा शैलो है, यहाँ पानी की जो गहराई है वो काफी कम है, जिसकी वजह से जो बड़ी शिप्स होती है उनको मूवमेंट करने में काफी प्रॉब्लम होती है। और साथ ही ईस्टर्न कोस्ट में, खासकर उड़ीसा में, साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर फ्रिक्वेंटली हिट करते रहते हैं। और इन सब कंडीशन की वजह से लोगों ने वेस्टर्न कोस्ट पर ही पोर्ट डेवलप करना ज्यादा सही समझा। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ईस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट ही नहीं है, ईस्टर्न कोस्ट पे भी पोर्ट है और काफी सारा व्यापार हमारा वहां से भी होता है। लेकिन अगर उसको हम कंपेयर करें वेस्टर्न कोस्ट के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, तो कहीं ज्यादा इम्पोर्ट हमारा वेस्ट की साइड से होता है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर बड़े शिप्स नहीं आ सकते, गहराई नहीं होगी समुन्दर की, तो वहां पर इतनी मतलब नहीं काम कर सकेंगे, तो उस ये एक वजह हो सकती है। इंडिया जो है आज भी बड़ी मात्रा में मिडल ईस्ट और वेस्ट कंट्री के साथ व्यापार करता है, और उसका इजी ट्रेड रूट अगेन इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से पड़ता है। हाँ, जिसकी वजह से वेस्ट में इकोनॉमी एक्टिविटी ईस्टर्न इंडिया से कहीं ज्यादा है। थर्ड रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था, तब वेस्ट में मुंबई बाकी इंडिया से काफी डेवलप्ड हो चुका था, और ईस्ट की मेजर सिटी जैसे कोलकाता में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल से बाहर जाने लगी, और एक के बाद एक बड़ी इंडस्ट्री ने बंगाल से बाहर मूव कर लिया। और
और दूसरी साइड मुंबई जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने लगा था पूरे देश में। ना सिर्फ मुंबई बल्कि अहमदाबाद और सूरत जैसे शहर ने भी काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की थी, जबकि दूसरी साइड ईस्ट इंडिया इतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में विफल रहा। क्योंकि ईस्ट इंडिया में बात अगर हम करें बंगाल की, तो बंगाल में कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंगाल से बाहर मूव करने लगी थी। वहीं दूसरी साइड गुजरात और महाराष्ट्र में पॉलिसीज भी अच्छी थी, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा डेवलप्ड था, तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ने वहीं पर जाकर अपना इन्वेस्टमेंट किया। नंबर 4 है पॉपुलेशन एंड लिटरेसी रेट। दोस्तों जितने भी पॉइंट हमने अभी तक आपको बताए वो सब हिस्ट्री और जियोग्राफिक नजरिए से तो ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जहां ओडिशा ने देश में सबसे अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर लिया है, तो अभी भी प्रेजेंट में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ईस्ट इंडिया में लो लिटरेसी रेट का होना। बिहार झारखंड जैसे राज्य में आज भी लिटरेसी रेट काफी कम है, जिसकी वजह से यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी हमेशा से रही है। वहीं वेस्ट में लिटरेसी रेट काफी अच्छा है, जिससे देश के इस रीजन में आईटी सेक्टर भी काफी ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात में काफी बड़े बड़े आईटी सेक्टर भी उभर कर सामने आए हैं, जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है वेस्ट इंडिया के डेवलपमेंट में। दूसरा, हाई पॉपुलेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। वेस्टर्न इंडियन स्टेट अगर आप देखते हो तो वो साइज में तो काफी बड़े हैं, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलेशन स्टेट के साइज के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही है। जितनी पॉपुलेशन होती है किसी स्टेट की, उतना ही उस स्टेट के लिए मुश्किल हो जाता है उन लोगों को जॉब देना, प्रॉपर एजुकेशन देना। और जब ये लो लिटरेसी और हाई पॉपुलेशन का मतलब वहाँ पे ना वो पढ़ाई का इतना रुझान नहीं होता ना ईस्ट इंडिया में। हाँ, एजुकेशन बैकवर्ड एरियाज होते हैं वो, शायद मतलब बैकवर्ड तो नहीं कह सकते हैं, तो वो अच्छी स्टेट्स हैं बट उनमें लोगों की पॉपुलेशन लोगों में नॉलेज नहीं है ना, मतलब ग्रो अप करने का उनमें नहीं होता कि इस वजह से वो फिर बच्चे पीछे रह जाते हैं। कॉम्बिनेशन होता है तो ये किसी भी स्टेट के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और बिहार झारखंड जैसे स्टेट का डेवलप ना हो पाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वहाँ की हाई पॉपुलेशन और लो लिटरेसी रेट। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो इन सब के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एक बड़ा रीजन है। जहाँ गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका के गवर्नमेंट ने काफी टैक्स इंसेंटिव और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, वहीं बिहार जैसे राज्य आज भी पॉलिटिकल घोटालेबाजी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं। और देखा जाए तो ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा और झारखंड में आज भी गहरे जंगल है, और उन गहरे जंगलों में ट्राइब लोग रहते हैं, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों एक्चुअल में यही मेन रीजन थे जिसकी वजह से वेस्ट इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है ईस्टर्न इंडिया से। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये गैप बना हो। ये छोटे छोटे रीजन ही बहुत बड़ा गैप डेवलप कर देते हैं एक ही कंट्री के दो के बीच में। लेकिन खैर अभी धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया भी ग्रो होने लगा है, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ईस्टर्न इंडिया में भी काफी जल्दी हमें ह्यूज डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले। दोस्तों आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको देखा जाए तो ये जितने भी यूपी और बिहार वगैरह से रिलेटेड ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यूपी और बिहार मतलब इनको कुछ लोग एक ही कहते हैं, मुझे तो इन दोनों स्टेट्स के बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, बट इन दो स्टेट्स के लोगों को मैंने ज़्यादा लेबर वर्क करते हुए देखा है बाहर के कंट्रीज़ के अंदर, कि ये लोग लेबर वर्क पे ज़्यादा जाते हैं। बाकी अगर स्टेट्स की बात की जाए, जिस तरह साउथ इंडिया है, वहाँ के लोग अच्छी पोस्ट पे होते हैं, और क्योंकि वो उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। और बाकी इस साइड से अगर बात करें मुंबई और दिल्ली वगैरह, इन इन साइडों से भी अगर कोई जाएंगे किसी दूसरे कंट्री में तो अच्छी पोस्ट पे होंगे, नहीं तो ये लोग बाहर के कंट्रीज में जाते ही नहीं है, जॉब्स वगैरह अपने कंट्रीज के अंदर ही करते हैं। बट अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ग्रो अप हो जाएगा, एक ही कंट्री है सारा का सारा, ऑब्वियसली ये भी तो होगा इंशाल्लाह। तो खैर वीडियो इंटरेस्टिंग थी, मजे की थी, आप लोगों का कोई भी ओपिनियन है तो आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।